नवीन कलेक्टर भवन के पास बंद पड़ा हुआ दरवाजा खुलवाने की अपील करने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर पहुंचा, जहां उन्होंने शिकायत ज्ञापन सौंपा, जो कि गेट कलेक्टर बनने के बाद से बंद पड़ा हुआ उसे खोल दिया जाए, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को और व्यवसाय करने वाले लोगों को थोड़ा फायदा मिल सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए सचिव मनोहर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि जब से नया कलेक्टर भवन बना है तब से मुख्य गेट बंद पड़ा है, यदि खुल जाएगा तो वहाँ पर काम धंधा करने वाले लोगों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। सामना करना पड़ता है, वही हम तो कलेक्ट्रेट कार्यालय खुल जाने का जो लाभ शहर के लोगों को मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आमजन की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्र की जनताओं की परेशानियों से बचा जाने हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय का मुख्य द्वार जो अशोक नगर रोड स्थित संस्थान है, चाहे फोटो कॉपी की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, और इस आशय के साथ इन लोगों ने खुला है कि इनका कुछ धंधा पानी उससे हो, क्योंकि जब कलेक्ट्रेट न्यू कलेक्ट्रेट बना इसके बाद में जो उसका गेट है गेट के समक्ष ही इन लोगों ने इन संस्थानों को इस आशय के साथ भी कुछ हमारी कमाई होगी इसको लेकर के उन्होंने बोला, लेकिन ये जो गेट लगातार बंद रहा है उसी के संबंध में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्ञापन श्रीमान जी, आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन आमजन जो नया कलेक्ट्रेट अभी जो बना है और उसके दोनों तरफ गेट बने हुए हैं, एक मेन रोड पर है, एक जहां अधिकारी और वर्ग है उनके निवास स्थान से इधर आते हैं, इसी को लेकर के आज ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है कलेक्ट्रेट को खोले, लेकिन जो यहां दुकानदार हैं जो अपने संस्थान इस आशय के साथ उन्होंने यहां खोले हैं कि हमें कुछ लाभ होगा इस कलेक्ट्रेट के बनने से, पर जो मेन रास्ता है, जो मेन गेट है जहाँ से लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आमजन लोग हैं वो इधर घूम के आने की बजाय यहाँ से सीधे, ये सुलभ रास्ता है, आसान रास्ता है, इससे यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए हमने आज एक आवेदन ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को इस आशय का दिया है कि आप इस वाले जो गेट को अशोक नगर रोड स्थित है इसको शीघ्र खोला जाए, जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।